सर्वे में कांग्रेस की बल्ले बल्ले, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, और इनमें जो नेता है कांटे की टक्कर है सब में। ऐसे में सबसे पहले पहली तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे किस राज्य की बात कर रहे हैं, बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर। और इस राज्य की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है तेलंगाना में बात हो रही होगी, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव। और आज ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पांच राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर सभी जो डेट्स हैं वो बता दिया है कि कब कहां पर वोटिंग होगी और कब मतगणना होगी, यानी काउंटिंग होगी, कब रिजल्ट आएंगे। अब ऐसे में एक ऐसा प्रदेश जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और 30 नवंबर को मतदान होंगे तेलंगाना में, और इससे पहले एक ताजा सर्वे आ गया है और सर्वे में कांग्रेस की बल्ले बल्ले कह रही है, यानी ये जो सर्वे आया है लोकपोल का सर्वे है ये, और सर्वे में कांग्रेस गजब आगे बढ़ती दिखी है, क्योंकि कांटे की टक्कर तो है बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस, एआईएमआईएम, सब में कांटे की टक्कर है। लेकिन इस बाजी में जीत कौन दर्ज करेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये एक सर्वे है और सर्वे जो एक ताजा आंकड़ा आया है उसमें अगर हम देखेंगे तो ये लाइन आपको बता रही होगी कि इस सर्वे में कौन आगे भाग रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन किस पार्टी को छोड़कर आगे निकल गया। ऐसे में कांग्रेस की बल्ले बल्ले तेलंगाना के अंदर बिना वक्त गवाए सीधे आपको लिए चलते हैं। और सीधा आपको मैं बता दूं कि आज जो सर्वे ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसमें कांग्रेस जो है बहुत आगे निकल चुकी है और पीछे आ गई है बीजेपी, बीआरएस और भी कई अन्य पार्टी। सर्वे देखते हैं, ये सर्वे देखिए, तेलंगाना पर लोकपोल का सर्वे सामने आया है। जो कांग्रेस की बल्ले बल्ले की बात मैं कर रहा था वो ऐसे ही नहीं कर रहा, ये लोकपोल का सर्वे, और लोकपोल के सर्वे को देखकर ये कहना बनता है कि कांग्रेस एक एक्स फैक्टर आगे लेके जा रही है अपने लिए तेलंगाना के अंदर, उस राज्य में जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जलवा नहीं दिखा था, इस बार कांग्रेस का जलवा दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना में कई रैलियां कर चुकी है, कई बड़े बड़े नेता वहां गए और उनकी सभाओं में, उनके जनसभाओं को लेकर अगर देखें, उनकी रैलियों को देखें, उनके रोड शोज को देखें, तो कई लोगों की भीड़, हजारों भीड़ वहां जुटी कांग्रेस की रैली में। इससे कांग्रेस का जोश हाई है। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में जीत दर्ज कर चुके हैं, हिमाचल में सरकार है और छत्तीसगढ़ में सरकार है। ऐसे में कांग्रेस का जोश हाई है और इस सर्वे को देखकर कांग्रेस का जोश और आई और हाई हो सकता है। तेलंगाना पर लोकपोल का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक अगर देखें तो 2023 में ये एक अनुमान सामने आया है लोकपोल का सर्वे। तेलंगाना में कुल सीट विधानसभा की 119 है और विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 45 से 51 सीटें जाती दिख रही हैं, ये एक अनुमान है। दूसरी बात करें आईएनसी यानी कांग्रेस, कांग्रेस के पास 119 में 61 से 67 सीटें जाती दिख रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की बल्ले बल्ले यही हो गई। 61 से 67 सीटें 119 विधानसभा सीटों में लोकपोल सर्वे के आधार पर कांग्रेस को तेलंगाना में मिल सकती है विधानसभा चुनाव में। लेकिन मैं बार बार आपको बताता हूं क्योंकि सर्वे जब भी हम आपको बताते हैं वो सिर्फ एक अनुमान होता है, उससे जोश तो हाई हो जाता है पार्टीज का, जनता का, जो समर्थक है जिन पार्टी के उनका जोश हाई हो जाता है, लेकिन जब नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को उस वक्त पता चलेगा ये जितने भी सर्वे हुए वो कहां तक सच थे और कितने गलत साबित हुए। लेकिन अनुमान अगर देखें तो ये देखिए आप, 61 से 67 सीट, 119 में से 61 से 67 सीट जो है वो तेलंगाना में कांग्रेस को मिलती दिख रही है लोकपोल सर्वे के आधार पर। 3 नंबर पर एआईएमआईएम, 6 से 8 सीटें एआईएमआईएम यानी अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसे भी मिलती दिख रही है तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद से सांसद भी अजहरुद्दीन ओवैसी। 4 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 2 से 3 सीटें बस तेलंगाना के अंदर। ये सर्वे है लोकपोल का, लोकपोल का सर्वे बता रहा है, जो ताजा आंकड़ा आया है, जो फ्रेश अपडेट है वो ये बता रही है कि बीजेपी को तेलंगाना में 2 से 3 सीटें मिल सकती है। ये बहुत करारी शिकस्त होगी अगर ये सर्वे सच हो जाए, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, पर अनुमान को देखकर टेंशन तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़ जाएगी, सिर्फ 2 से 3 सीटें। अब अन्य की बात करें तो 0 से 1, ये है 2023 के सर्वे के नतीजे, यानी जो सर्वे में अनुमान है वो हमने आपको बता दिया, बीआरएस, कांग्रेस, एआईएमआईएम, बीजेपी, अन्य सबका यहाँ पे सीट एक अनुमानित बता दिया गया है। सीधे अब आते हैं पीछे, 2018 में जब विधानसभा के चुनाव तेलंगाना में हुए थे उस वक्त बीआरएस को 88 सीटें मिली थी विधानसभा की 119 में से, सरकार तभी तो बनी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस, जिसको फिलहाल सर्वे के आधार पर 61 से 67 सीटें मिल रही हैं, उसे 19 सीटें मिली थी। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा मार्जिन है,
सिर्फ 19 सीट 2018 में और 2023 के सर्वे के मुताबिक 61 से 67 लंबा उछाल। AIMIM को 6 से 8 जैसा कि 23 का ये अनुमान है, 7 सीटें 2018 में AIMIM को मिल चुकी है विधानसभा चुनाव में। तेलंगाना में 2 से 3 सीटें बीजेपी को सर्वे के आधार पर और 3 सीट ही मिली थी तेलंगाना में बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये अनुमान है और ये हो चुका है। यानी ये होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये कांटे की टक्कर जो दिखी इसमें एक तरफा कांग्रेस आगे बढ़ी है, एक तरफा। अन्य की बात करें, एक सीट जाती दिख रही है अन्य की भी तेलंगाना में, लेकिन 2018 में 2 सीट मिली थी निर्दलीय जो लड़े थे, अन्य जो था अन्य नेताओं को 2 सीट मिली थी। ये है लोकपोल सर्वे, ये सीटों की बात हमने बताई। अब जरा वोटिंग परसेंटेज पे नजर डालते हैं, किसे कितना वोट मिला है, कितने वोट प्रतिशत थे। 2023 में BRS को 39 से 42% वोट प्रतिशत मिलता दिख रहा है, 2018 में 46 था, 46.887% वोट प्रतिशत BRS को मिला था, यानी चंद्रशेखर राव की पार्टी को मिला था, यानी करीबन आप कह सकते हैं ये 47% जो है वो वोट प्रतिशत BRS को मिला था। इस बार कम होता दिख रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर। कांग्रेस को देखें, 41 से 44% वोट प्रतिशत कांग्रेस को तेलंगाना के अंदर, 28.43% मिला था, यानी कि करीबन 28% वोट प्रतिशत कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला था। AIMIM की बात करें, 3 से 4% वोट प्रतिशत AIMIM यानी अज़हरुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिलता दिख रहा है, 2.7% ही 2018 में भी मिला था। बीजेपी की बात करते हैं, 10 से 12% वोट प्रतिशत, यानी यहां पर वोट प्रतिशत का अगर मार्जिन देखें तो 3 नंबर पर बीजेपी है। 10 से 12% वोट प्रतिशत सर्वे के आधार पर बीजेपी को तेलंगाना राज्य में मिल सकती है, लेकिन 2018 में 6.98, यानी यहां पर बढ़त दिखी है, लेकिन ये बढ़त सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है, 6.98 यानी कि 7% वोट प्रतिशत बीजेपी को मिला था। अन्य की बात करें, 3 से 5% इस बार मिलती दिख रही है 2023 में विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में 15.2% यानी करीबन 15% वोटिंग परसेंटेज अन्य को मिला था। ये कंपैरिजन आपको बकायदा दिख रहा होगा, ये मार्जिन है। यहां पर BRS जो कि फिलहाल सरकार में है, BRS को 39 से 42% वोट प्रतिशत मिल रहा है, तो यहां पर कम हुआ है 2018 के मुताबिक, कम हुआ है। कांग्रेस को बढ़त मिली है 18 के मुताबिक, 2023 में सर्वे के आधार पर बहुत आगे कांग्रेस दिख रही है। AIMIM को कम हुआ, ये 2.7 2018 में था, इस बार ज्यादा मिलता दिख रहा है, लेकिन ये सरकार, मैं बार बार कह रहा हूं सरकार बनाने के लिए सर्वे के आधार पर काफी नहीं, लेकिन सिर्फ एक अनुमान है, ये तो नतीजे बताएंगे। बीजेपी को 6.98 यानी लगभग 7% मिला था, तो कंपैरिजन करें तो बीजेपी को यहां पर ज्यादा दिख रही है, लेकिन वही बात, इस सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है। और अन्य का आपको बता दिया, 3 से 5% मिल सकता है 2023 में, और 2018 में 15% लगभग मिला था। यहां पर अगर देखें तो BRS और INC यानी कि सर्वे के आधार पर देखें तो BRS और कांग्रेस में ही टक्कर होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी इस रेस से लगभग लगभग आउट होती दिख रही है, क्योंकि दो अगर प्रमुख पार्टियों की बात करें तेलंगाना के अंदर, BRS और कांग्रेस, जिसमें कांटे की टक्कर हो सकती है 2023 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तेलंगाना का दौरा कर रही है। ऐसे में ये सर्वे, जो लोकपोल का सर्वे हुआ है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन तो बढ़ाएगा, क्योंकि विधानसभा 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है और आज ही PC हुआ है। आज ही अगर बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने कर दी और 5 राज्यों के जो भी मतदान होंगे, जिन जिन तारीखों का ऐलान है वो कर दिया गया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है, यानी 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को सभी राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। उस वक्त दिखेगा कि क्या ये सर्वे सही था या नहीं, क्योंकि फिलहाल एक अनुमान, ये सिर्फ एक अनुमान है और इसके आधार पर हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वे कभी दावा नहीं करते, ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन ये हो चुका है, ये हो सकता है सर्वे के आधार पर। लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि क्योंकि लगातार अभी सर्वे होंगे और क्योंकि वक्त अब कम बचा है और आज जब डेट फाइनल हो गए हैं सभी, कब कब इलेक्शन होंगे, तो ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और जितनी रैलियां होनी थी सब हो चुकी है, अब जनता निर्धारित करेगी, जनता के हाथ में फैसला है, मत पेटी में जो है वहां पर भाग्य का फैसला होगा। जितने भी राजनीतिक दल यहां पर आपको दिख रहे हैं, BRS सरकार में है लेकिन कांग्रेस संजीवनी का काम कर रही है तेलंगाना के अंदर, कांग्रेस की जनता, कांग्रेस के लिए जो जनता है वो कांग्रेस के लिए तेलंगाना में वो संजीवनी का काम कर रही है। और आप देखे होंगे लगातार जो है वो तेलंगाना में कांग्रेस रैली कर रही है, जो रैली हुई थी कांग्रेस में, कांग्रेस की जो रैली तेलंगाना में हुई थी वहां पर कई भीड़ जुटी और इसी के बाद कांग्रेस का जोश हाई दिखा और इस बार
ये देखने के बाद शायद कांग्रेस एक बार फिर उसका जोश हाई हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।